यहाँ पर हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग करना है, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मैं आप लोगों को खुला खुला बोलना चाह रहा हूँ, हमारे दुकान वाले होंगे या बंडी वाले होंगे, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो अपन धंधा कारोबार सुबह आते शाम तक यहाँ रहते, तो मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, पुलिस वालों के साथ अच्छे रहना, लोगों के साथ अच्छे रहना, दुकान वालों के साथ अच्छे रहना। पहले यहाँ पर दोनों तरफ से, एक तो गवर्नमेंट ऑफिस है, बी ऑफिस है, यहाँ से ऑब्जेक्शन आ रहा है, लोगों का आते जाते ऑब्जेक्शन आ रहा है, और पुलिस वालों के को टेंशन दे रहे हैं, पब्लिक दे रही है। आज सुपरमार्केट में, जैसे कि दो दिन से कमिश्नर ऑफिस में पूरी टीम हमारी नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ, सिराज शाब्दी, नज़ीर मौलाना, हम पूरे फिर रहे थे। तो आज सुबह में डेढ़ घंटा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, यहाँ मैं समझता हूँ यहाँ हमारे पूरे जितने भी बंडी वाले हैं, तेला बंडी वाले हैं, वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर बात हुई कि पहले यहाँ पर दोनों तरफ से, एक तो गवर्नमेंट ऑफिस है, बी ऑफिस है, यहाँ से ऑब्जेक्शन आ रहा है, लोगों का आते जाते ऑब्जेक्शन आ रहा है, और पुलिस वालों के को टेंशन दे रहे हैं, पब्लिक दे रही है। तो उसके बाद डेढ़ घंटे के बाद 25-30 बार रिक्वेस्ट करने के बाद गुलबर्गा के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब ने बात को ठीक है कहा कि एसीपी सुधा मैडम और दो सर्कल को बोला कि आप लोग वहां पर जाइए, जाकर देखिए कैसा करना है, देखकर ये लोग कैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से करिए, बोलकर बोलने के बाद यहाँ पर अब एसीपी मैडम और दोनों सर्कल यहाँ पर आए थे और देखे। देखने के बाद समझ में आया कि ये 2018 में भी, इससे पहले भी चप्पल बाजार का मसला होने के बाद मैं खुद यहाँ पर मौजूद था। आप सब लोगों को याद है, याद नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पर था, मेरी टीम थी, बाबा मियाँ थे और सर्कल असर नायक थे, वो जब भी चप्पल के दुकानों का मार्क करे थे। हम जब का जब भी चुप, नॉमिनल हमारे बाबा मियाँ को सदर बोलकर भी जब भी बने थे यहाँ ये चप्पल इधर का, तो ये सब सिस्टमेटिक हुआ था। उसके बाद अब फिर 3 साल के बाद आप कपड़ बाज़ार वालों को 3 महीने दिए, कपड़ बाज़ार के 3 महीने से ठहरे नहीं दे रहे, वो भी 16-17 लोग हैं खाली यहाँ पर। हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग करना है, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मैं आप लोगों को खुला खुला बोलना चाह रहा हूँ, हमारे दुकान वाले होंगे या बंडी वाले होंगे, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पुलिस वालों से अच्छा व्यवहार हमारा रहना चाहिए, पब्लिक के साथ हमारा अच्छा व्यवहार। आप दुकान वाले एक दो जने बोले कि अरे पुकार रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो अपन धंधा कारोबार सुबह आते शाम तक यहाँ रहते, तो मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, पुलिस वालों के साथ अच्छे रहना, लोगों के साथ अच्छे रहना, दुकान वालों के साथ अच्छे रहना, सब के साथ अच्छे रहे, तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा हल नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर आने के बाद बाबा मियाँ को जिम्मेदारी दिया गया है एसी मैडम, वो बाकी का काम जो भी है वो करेंगे। उसके बाद कल फिर एक बार आकर देखेंगे, सिराज साहब जी हमारे इकबाल साहब हैं, बागवान, ये भी लगे हुए हैं पीछे कंटिन्यू, 15 दिन से फ़ोन कर रहे हैं नासिर उस्ताद साहब को, पूरे लोग तुम्हारे साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ हमारी मजबूरी है वो हिसाब से काम करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आने वाले दिन में इससे भी अच्छा आप लोगों को प्लेटफॉर्म बनाकर देंगे, हम पूरे आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह।